हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल से प्रयागी। मैं अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ इस छोटू से मसाजर से। पीछे मम्मी है। हाँ। अब अपना आगे का इंट्रोडक्शन देंगे हमारे हस्बैंड भाई साहब। हस्बैंड भाई साहब इन्होंने बहुत अच्छी लाइन मार दी है। वैसे वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल से प्रयागी, और आज का हमारा जो व्लॉग है, एक्चुअली ये व्लॉग नहीं है, ये एपिसोड नंबर 2 ऑफ PNB टॉक्स है। और क्योंकि इनके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है फिलहाल, इसलिए इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये कुछ भी बोल दे रही है। पर चलिए, हम मिलाते हैं आपको हमारे पेरेंट्स से। हमारे पेरेंट्स हैं इस समय वापस बैक फ्रॉम USA। ये है हमारे पेरेंट्स। हेलो, हाय। अब हम करेंगे एक छोटा सा इंटरव्यू अपने पेरेंट्स के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अमेरिका में उनकी ट्रिप कैसी रही और यहाँ आना कैसे रहा। और आप में से जो लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि US से इंडिया कैसे ट्रेवल हो रहा है, वो आपको मिलेगी हमारे ब्लॉग में। हाँ पापा, तो आप बताओ कि अमेरिका में ओवरऑल सफर कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, मजेदार रहा, इंटरेस्टिंग था क्या सब? ओवरऑल हमारे लिए, हाँ, हमारे लोगों के लिए तो एक नई दुनिया ही थी। जिस वातावरण में हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग वहाँ का वातावरण, आप वंदे भारत का बताओ, वहाँ का रहने के लिए। हाँ, वंदे भारत में ऐसा हुआ, हम लोगों का टिकट वापसी जो था वो 7 सितंबर को नॉर्मल फ्लाइट से था। तो हमारे दामाद जी ने बताया कि भाई फ्लाइट तो आपकी जो है उस दिन जा नहीं रही, नॉर्मल फ्लाइट तो सब कैंसिल हो रही है, केवल वंदे भारत जाएगी। तो अब आप क्या करें, एक्सटेंड कराएं या जाए? हमने कहा नहीं, हमको वापस जाना है। ये अनलॉक 4 जब आया तब हुआ ना। हाँ हाँ, तो फिर हमारा टिकट जो है 8 सितंबर का हो गया वंदे भारत में। पैसे और लगे? हाँ। पैसे और लगे, 200-400 डॉलर हम लोगों, मतलब कितना लगा, मतलब एग्जैक्ट फिगर देना? 90,000 रुपीज एक का लगा। रुपीज नहीं, डॉलर में। कोई बात, रुपीज। अच्छा, अब तो इंडिया आ गया। ओके, इंडिया के हिसाब से। हाँ, लेकिन आप सुन लीजिए, जब हम गए थे तो बड़ा इंजॉय करते हुए गए थे वंदे भारत की फ्लाइट में, खूब बर्फ गिर रही थी, आते समय बारिश हो रही थी। वंदे भारत में एयरक्राफ्ट में हम लोगों को लंच, डिनर, ये सब बहुत अच्छे से दिया। जाते समय वंदे भारत नहीं थे? हाँ। जाते समय वंदे भारत नहीं थे, एयर इंडिया थी, नॉर्मल फ्लाइट, उसमें अच्छे से था नाश्ता पानी, चाय वगैरह। लेकिन लौटते समय तो जहाज वही थी, फ्लाइट नंबर भी हमारा लगभग वही था, लेकिन था वंदे भारत, उसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ था। सब क्वारंटाइन वाला एक तो ड्रेस पहने हुए थे जितने थे। हाँ। हाँ, और सब हाथ में ग्लास पहने, हम लोगों को भी फेस शील्ड दे दिया गया था और मास्क लगाए हुए थे। बिल्कुल समझ लीजिए कि अद्भुत से हम लोगों का पूरा बन गया था एकदम, मतलब क्या कहें कि एकदम बिल्कुल पैक हो गए थे। बस सांस लेने में समझ लीजिए हम लोग थोड़ा पुराने हैं, लेकिन हमारा दिल और जो सारे सिस्टम बड़े मजबूत हैं, क्योंकि मैं एक सर्विस मैन भी हूँ, तो मेरा बढ़िया सब कुछ है, योगा करके सब ठीक है। लेकिन जो उसके अंदर भोजन दिया गया, उससे हम लोग दुखी हो गए, क्योंकि एक से एक पैक फूड दिया गया वो पूरे 10 घंटे के लिए कह लीजिए, जबकि 14 घंटे की जर्नी है, जैसे कि 13,500 किलोमीटर है यहाँ से। अब उसके बीच में करीब 14 घंटे हम लोगों को ट्रेवल करना था, तो एक डब्बा सुबह मिल गया जब हम लोग जाते ही जहाज में चढ़े। हाँ, रखा था वो पायलट ने अनाउंस भी कर दिया वहाँ की, यही आपका खाना है, यही आपका नाश्ता है। हम लोग देख के थोड़ा सा निराश हुए, लेकिन बोले ये गवर्नमेंट ने जो किया वैसे अच्छा किया है, इसलिए अच्छा किया है कि कोई इन्फेक्शन ना हो। और जैसे बीच बीच में चाय और कोल्ड ड्रिंक ये सब भी बंद कर दिया है, कुछ नहीं अपना पानी। हाँ, उसके अंदर के जो आइटम थे वो भी अच्छे नहीं थे, जो पाउच छोटी छोटी सी थी वो भी एकदम सूखी सूखी बासी थी। हाँ, फ्रेश नहीं लग रही थी। आइसक्रीम की डब्बी तो हम लोगों ने बिल्कुल खाई नहीं, फेंक दी दोनों टाइम की, सुबह भी दूसरे दिन। तो गाइस, हम ये बोलेंगे खाने से कंप्लेन रही, खाने से कंप्लेन, बिल्कुल बेकार खाना। लेकिन गवर्नमेंट ने बाकी जो वैसे कर रखा था, फिर यहाँ उतरे तो हम लोगों के पास वो टेस्ट कराया गया था। हाँ, कोविड वाला हम लोग, पता था अगर नहीं कराएंगे तो हम लोगों को सीधे यहीं से होटल में भेज दिया जाएगा और 7 दिन रहना पड़ेगा, उसके बाद घर भेजेंगे। तो हमारे दामाद और बेटी ने हम लोगों का टेस्ट करा दिया था, $100 हम लोगों ने वहाँ भी पे किया, मतलब बेटी दामाद ने दिया, हम लोगों ने पे किया और हम लोगों को वहाँ निगेटिव पता लग गया था। लेकिन भाई दिवे चूंकि सैटरडे संडे और मंडे लेबर डे था, 3 दिन छुट्टी थी, तो हमारी जो मेल पे आया हमारे यहाँ जब जहाज लैंड किया तब आया,
मेल पे। हाँ, जब यहाँ उतरे तो उनको सब बताए भाई मेरा बहुत फायदा रहा। तो हाँ, उन्होंने बोला नहीं यहाँ तो सब कैंप लगा हुआ है, यूपी गाजियाबाद में हम रहते हैं। तो बताया कि यहाँ सुशांत कॉप वाली से बोले आप पासपोर्ट जमा कर दीजिए और आप होम क्वारंटाइन। हम दोनों के मोहर हाथ में लगा दिया क्वारंटाइन का, हमारी धर्म पत्नी के हाथ में, और बोला गया कि अब आप जाइए। सिर्फ धर्म पत्नी के हाथ का क्वारंटाइन लगा था नहीं, हमारे भी हाथ में लगा था। तो हमने कहा भी भैया ये तो चलो लगा दो कहीं भी लगा दो। जब विनय तिवारी जो थे एसपी बंबई में गए, जब उनका लग गया तो हमको लगाने में क्या, लगाओ भाई लगाओ, कोई बात नहीं है। और हम लोग पासपोर्ट जमा हो गया, पासपोर्ट जमा होने के बाद बोले डीसी ऑफिस से आप आ करके कलेक्ट कर लेना, उन्होंने रिसिप्ट दे दिया। बस ये हम लोगों की वंदे भारत की यात्रा थी। ये वंदे भारत की यात्रा थी या शिकागो से? शिकागो से वंदे भारत दिल्ली की यात्रा थी। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को यूएस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या डिफरेंट, मैं कहूँ इंडिया से अलग, वहाँ का मौसम, वहाँ की सफाई, वहाँ का रहन सहन इंडिया से बहुत अच्छा। हाँ, वहाँ का सबका मतलब हर चीज, सब लोग अपने से काम करके हर जगह आगे पीछे घास की कटिंग ठीक से रखना, सफाई वफाई सब बहुत अच्छा, एक जैसे घर दिखते थे सबके वहाँ। मतलब लापरवाही नाम, लापरवाही नाम की कोई चीज नहीं। अगर ऐसा नहीं है कि अगर हम अपना घर साफ करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसा नहीं है। अगर आपका लान वगैरह घास वगैरह नहीं कटा, नहीं कटी तो बगल वाला जाएंगे, लेकिन बगल वाला ही कंप्लेन कर देगा हमारे बगल वाला घर ठीक नहीं है। तो वो तुरंत आएंगे काट घास काट देंगे और पैसे पकड़ा जाएंगे, बिल पकड़ा देंगे। आप बिल्कुल ना नहीं कर सकते। तो ये तो वहाँ का एक एडमिनिस्ट्रेशन आप वाकई में लाजवाब है। इसी तरह इंडिया को हो जाए तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। हमारी इंडिया में नहीं, सोच में बदला। इंडिया में तो सब कार चलते भी अभी तो नहीं, लेकिन लगता है जिस तरह से कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, शायद कुछ बदलाव आया। हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट पे काफी अच्छा था सब सिस्टम, लोगों के ड्यूटी लोग अच्छे से देख रहे थे। इंडिया में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है और ये बदलना पड़ेगा तभी हम उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब आप देख रहे हैं हमारे लेंस से हम लोगों को। फिलहाल तो आपने देखा था हमारे पिताजी को रो रहे, ये देखिए कैमरा जूम मार। अब इंटरेस्टिंग बात क्या लगी विनीता, हमें लगता है हमारे पापा मम्मी ने खूब एंजॉय करी ट्रिप और हम लोग को याद नहीं किया बिल्कुल भी। नहीं किया, चैट होती थी, झूठ बोल रहे हो ऐसे, तो क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमें लगता नहीं कि हमें याद किया, वीडियो चैट होती थी, हमें तो डेली याद किया, हमें मम्मी ने याद किया, हमारे पिताजी ने याद किया, हमें फोन बोला नहीं है, ऐसा बोला नहीं है। पापा ने ऐसा बोला क्या? पापा ने ऐसा बोला, पापा ने ऐसा बोला, मन मन की बात। एनीवेज, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि वंदे भारत चली अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन थोड़ा सरकार को शायद ये देखना पड़ेगा कि 14 घंटे की जो फ्लाइट है, अगर आप उसमें अगर एक टाइम का भी खाना प्रोवाइड करा रहे हो, एटलीस्ट वो फ्रेश प्रोवाइड कराओ, क्योंकि आपने सारे प्रिकॉशंस ले लिए, लेकिन अगर आप ऐसा खाना प्रोवाइड कराओगे जिससे इंसान का एपेटाइट ही बिगड़ जाए तो प्रिकॉशन फिर जीरो हो जाएगा आपका। अच्छा, दूसरी मैंने बात सुना था उसमें जो एंटरटेनमेंट है वो एंटरटेनमेंट सिस्टम भी नहीं कुछ चल भी रहा नहीं था। हाँ, तो टीवी नहीं चल रही थी उसमें कि कुछ भी नहीं, सिर्फ जहाज को दिखा रहे थे और हेडफोन्स की वजह से। बिकॉज नॉर्मली क्या होते हैं फ्लाइट्स में, आप जब हेडफोन यूज करते हो तो दूसरी ट्रिप में वही हेडफोन्स फिर दोबारा भी लोग यूज कर लेते, लेकिन इस टाइम पे हाँ हाइजीनिक को ध्यान में रखते हुए सही बात है, इसलिए नहीं। अगर अगर मुझे ऐसा लगता है कि 1,00,000 रुपए की अगर टिकट है वो भी एक्स्ट्रा लगा है तो एक पेयर ऑफ हेडफोन्स इतने महंगे नहीं आते सर? नहीं, जो भी है चलो वो तो जाने दो, खाना तो कम से कम अच्छा देना चाहिए। खाना तो घाटे में जा रही, हो सकता है कुछ उधार नहीं। वंदे भारत में खाना सही से नहीं दे रहे हैं हम लोग, बासी टाइप दे रहे हैं, पता नहीं कब की ब्रेड रखी हुई है, फ्रेश नहीं लग रही है। वही मेरा मेन कंसर्न, वही क्रीम लगा के उसमें खीरा डाल दिया बंद के अंदर, वेजिटेबल। हाँ, मेन कंसर्न वही है कि अगर आप इतना प्रिकॉशन दिखा रहे हो तो एटलीस्ट एक फ्रेश, कम से कम दो टाइम जैसे चाय पीने, दो बार चाय मिल जाती
तो उससे भी काफी राहत। चाय के लिए मेरे यहाँ चाय, चाय या चाय कॉफी कुछ नहीं, वो ह्यूमन कॉन्टेक्ट ही छोड़ दिया ना, मतलब आने का सीन ही नहीं रहा। ह्यूमन सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस भी नहीं लिमिटेड। जो ये जो सर्विस चल रही है ये इमरजेंसी, इमरजेंसी लाना है अपने देश को, गवर्नमेंट आ रही है यहाँ वहाँ पहुँचाना है जो जाना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट जो कर रही है। ये क्या काम, अगर हम लोग ना आ पाते वहीं फंसे रहते तो हमारे बच्चों का क्या होता है वहाँ बच्चों का। नहीं वहाँ भी तो अपने बच्चे हैं, वो भी तो अपने बच्चे हैं, आपको ऐसे कैसे कह रहे हो, दोनों बराबर हैं हम लोगों के लिए। हमारे यहाँ भी चलता है, कुछ नहीं है, आप क्या भी होता हो। तोता मैना की तरह, जैसे बेटा वैसे बेटी, उसके पास तो कब पहली बार गई इतने सालों बाद, कब से बुलाती। हमारी शादी 2017 में हुई है, उसी टाइम जो ये पहले व्लॉग में भी बता चुकी हैं और मेरे ख्याल से दूसरे में भी बताया था और आज एपिसोड नंबर 2017 के बाद दीदी से मिलने गई है, तो 3 साल आप ले सकते हो कि 3 साल के बाद दीदी से मिलने गए, सो इट्स अ लॉन्ग टाइम। बहुत हर बार बुलाती गई आप लोग आए, सब कुछ संयोग से होता है। जाते ही हम लोगों को थोड़ी ना पता था इतना फैल जाएगा कोरोना, ठीक ठाक हो जाएगा 1-2 महीने। अरे नहीं, बाप रे, बहुत लंबी कहानी फैला और आधा अमेरिका साफ हो गया, इतने लोग वहां मरे हैं कि फिर भी वो लोग कोई मास्क लगाता है, कोई नहीं लगाता है, ज्यादातर तो नहीं लगाते हैं। ये है कि अपनी अपनी गाड़ियों में कोई जैसे मेला वगैरह है या कोई मेला रैली वगैरह निकल रही है, लेकिन तुम तो उसमें सब अपनी गाड़ियों के अंदर ही रहेंगे, रैली में गाड़ी के अंदर से खड़े हो जाएंगे। तो जो यहाँ से एक बार चला जाता है वो यूएस सिटीजन बन जाता है, वो वापस आने की सोचता ही नहीं, सारे H-1B वाले सिटीजन बन जाते हैं। यहाँ से और वहाँ के लोगों में 360 डिग्री का अंतर है, वहाँ की जो लिविंग ऑफ लाइफ है, वहाँ जो लोग अर्न करते हैं। पापा वहाँ 80 डिग्री होता है, 360 डिग्री में आप वापस हो जाते हो। ओके, ये मेरा हो सकता है, ये जो कैलकुलेशन पापा ने सही किया, ट्रेवल इफेक्ट है ना, अभी ट्रेवल इफेक्ट है, कह रहे हैं ट्रेवल इफेक्ट है, अभी चल रहा है, हो सकता है अभी जेट लैग, ट्रेवल इफेक्ट हो सकता है, जेट लैग, हम बोलना कुछ चाह रहे हैं बोल कुछ देते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम है। हम ये कह सकते हैं वहाँ के लोग जो इंडियन लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ की सुख सुविधा देख करके वापस नहीं आना चाहते, ये वेल फैक्ट है। हमारी बेटी भी, वो भी सर यूएस सिटीजन, दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, बिजी बिजी लाइफ है। तो जितना, और यहाँ क्या प्रॉब्लम है, वहाँ जॉब बहुत है लेकिन उसको करने वाले लोग कम है। आप देखिए ना, साथ जाए वो पूरे इंडियन आए हुए हैं, अप्लाई करेंगे, उनको कोई लेता ही नहीं है। ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, हायर मी, आई एम अवेलेबल। यस, बहुत है वहाँ नौकरी, बहुत है आदमी, वहाँ तो बच्चे ही 10th के बाद सारे जॉब करते हैं। चलिए गाइस, ऐसी ही छुटपुट बातों के लिए, फैमिली टॉक्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल और शेयर आवर चैनल, और मिलते हैं PNB टॉक्स के अगले एपिसोड में। कमेंट्स भी कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। ओके बाय। ये एक नया एक्सपेरिमेंट था जो हम लोग कर रहे थे, हमारी मम्मी कुछ ज्यादा जल्दी बाय बाय कर रही है, हम ठीक से बाय नहीं बोल पा रहे हैं। तुम्हें ठीक से बाय बोलना है। बाय बाय।